वेरिएशन जिसमें कैसे ब्लैक ने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करके वाइट को चेकमेट कर दिया। वाइए फ्रेंड्स कुछ वाइट के तरफ से भी कि वाइट इस फ्रेंच डिफेंस को कैसे खेले। तो फ्रेंड्स अगर वाइट की बहुत कॉमन ओपनिंग होती है, अगर आप वाइट पीसेस से खेले और आप चलते हैं e4 और सामने वाला फ्रेंच डिफेंस चुनता और करता है e6, तो d4, d5, Nc3, Nf6, Bg5। और फ्रेंड्स यहाँ आप देख ही सकते हैं ये ई पॉन आगे पुश होकर यहाँ इस नाइट को ट्रैप कर देगा। अदरवाइज अगर क्योंकि ये नाइट अगर मूव होता है तो यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो बिशप e7, यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव है तो e5। आपको अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करना है। तो नाइट एट एफ गोज टू d7, h4। आपको यहाँ अपने बिशप एक्सचेंज नहीं करना। और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक भी आमतौर पर बिशप एक्सचेंज नहीं करता, अदरवाइज ये एच टेक्स g5 होगा और g5 में भले दो पॉइंट डबल हो जाएंगे पर ये रुक एक ओपन फाइल पे किंग की साइड काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। तो यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव होता है c5। तो बिशप टेक्स e7, किंग टेक्स e7 अगर यहाँ ब्लैक करे उस, क्योंकि इंडियन गेम में इंडियन प्लेयर्स बहुत कम कैसल करना सोचते हैं, वो मोस्टली अपने किंग को सेंटर में ही रखते हैं। तो डी टेक्स c5, क्वीन a5, ये नाइट पिन हो जाएगा। तो क्वीन d2, तो अब फ्रेंड्स ये दो वीक पॉन्स और इन नाइट किसी भी पॉन को चाहे तो ले सकता है। अगर यहाँ ब्लैक करता है नाइट टेक्स c5 तो नाइट टेक्स d5 चेक ये। और फ्रेंड्स यहाँ आप देख ही सकते हैं ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ फोर्स्ड मूव है ब्लैक के लिए डी टेक्स d5। तो उसके बाद क्वीन a5, क्वीन टेक्स a5। और फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं सिचुएशन के लिए ब्लैक के फेवर में, एक तो इस नाइट पर अटैक है, ऊपर से ब्लैक के ही दो पीसेस अब तक डेवलप नहीं हुए और यहाँ वाइट कैसल करके अपने इस रुक को भी अटैक में लिया है। तो फ्रेंड्स ये वेरिएशन भी हो गया, अब नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी दो वेरिएशन दिखा चुका हूँ, अब तीसरे वेरिएशन पर चलते हैं। अगर वाइट करता है e4 तो e6, d4, d5, नाइट c3, बिशप b4, आपको इस नाइट को ही पिन कर देना है। तो अगर यहाँ वाइट करता नाइट e2, अपने इस नाइट पर डिफेंस करता तो डी टेक्स e4, a3, बिशप पर अटैक होगा। तो बिशप टेक्स c3 चेक, नाइट टेक्स c3, नाइट c6, क्वीन g4। और फ्रेंड्स इस पॉन पर और इस पॉन पर आप देख ही सकते हैं क्वीन का काफ़ी अग्रेसिव अटैक है। फ्रेंड्स यहाँ आपको करना है, फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें तो वाइट का ये d4 पॉन भी अनडिफेंडेड है। तो अगर ब्लैक करता नाइट टेक्स d4 और फ्रेंड्स यहाँ पे वाइट के प्लेयर्स बहुत लालची हो जाते हैं, वो देखते हैं यार ये g7 पॉन वीक है और ऊपर से फिर ये रुक भी नहीं बचेगा क्योंकि किंग साइड का रुक है। तो वो करते हैं क्वीन टेक g7 फ्रेंड्स, और इसके बाद यहाँ ब्लैक का गेम ख़त्म हो चुका क्योंकि आप करेंगे नाइट टेक्स c2 चेक। और फ्रेंड्स ये किंग इस डी फाइल में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ इस क्वीन का अटैक है। तो किंग e3 स्क्वायर पर ही जाएगा, e2 स्क्वायर पर तो किंग e2, d3। और फ्रेंड्स अब ये किंग कहीं नहीं जा सकता क्योंकि नाइट का अटैक है और इधर क्वीन है इधर। फ्रेंड्स ये एक और अच्छा ब्लैक के लिए चेक मेटिंग पैटर्न आपने देखा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए तीन वेरिएशन। और फ्रेंड्स मैं आपको बाकी के वेरिएशन जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल चेस ड्रैगन को सब्सक्राइब करें जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका पता चल जाए। तो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।